देखिए दोस्तों कितना एक सेल है, कैसे अपने मुंह को खोल रहा है काटने के लिए। पीछे से, पीछे से देख सकते हैं दोस्तों, ये अपने बिहार में लोग इसे गेहूं कहते हैं। ये चूहा और मेढक को खाने के लिए हमारे घरों की तरफ चले आते हैं लोग। देख लीजिए साइंटिफिक नेम नाजा नाजा होता है, आपको बता दें कि वेनम कौन पाया जाता है, न्यूरोटॉक्सिन। खतरा महसूस होता है तो ये तुरंत खड़ा हो जाता है, देखिए कैसे खड़ा हुआ है। हेलो दोस्तों, तो हम फिर से आए बेजुबानों को बचाते हुए। अपने गोपालगंज से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर एक हसना गांव पड़ता है। दोस्तों घर की निर्माण है तो नेव को खुंदा जा रहा है और उसी दौरान सांप दिखा है। तो दोस्तों यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे है कि इस बेजुबान को बचाने के लिए हमें कॉल किए, तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा, सांप का रेस्क्यू करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो चलिए सांप का रेस्क्यू करते हैं। हटो 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 जाता रहे, ये देखो हां हटाओ ना, हटाओ जी हटाओ। दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर फाइनली स्नेक दिख गया, यहीं पर सांप छिपा हुआ है। तो देखिए कैसे बैठा है, देख लीजिए बैठल बाबू। देखिए दोस्तों बहुत बड़ा इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, देखिए। दोस्तों ये भारतीय नाग है, चलिए इसको बाहर निकालते हैं। वीडियो बने कहाँ पर कीड़ा मकोड़ा बात हूँ मैं। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ये पीछे की तरह जा रहा है, कैसे सुखों दोस्तों सब पीछे सुखों। देखा जाना अब यहाँ जाता हूँ ना, मुंह घुमाओ। हाँ तो पकड़ लो दोस्तों, कितना एक सेल है, कैसे अपने मुंह को खोल रहा है काटने के लिए। पीछे से, पीछे से, पीछे से, पीछे से। देख सकते हैं दोस्तों ये अपने बिहार में लोग इसे गेहूं कहते हैं लोग, और कहीं नाग कहीं कोबरा, और इसे उत्तर प्रदेश में फिटार कहा जाता है। देखिए ये हाईली न्यूरोटॉक्सिन वेनमस स्नेक होता है, और ये देखिए धीरे धीरे पीछे की तरह जा रहा है, शायद सुराग है। ना ना ना, ना पीछे पीछे खींच पीछे, 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 पीछे। चलिए दोस्तों ये इंतजार की घड़ी समाप्त होती है, इसे बाहर की तरफ चलते हैं। छोटे नहीं तो दोस्तों देख सकते हैं यही कोबरा है और यही नाग है, और अपने बिहार में इसे लोग ही गेहूं कहते हैं। दोस्तों ये न्यूरोटॉक्सिन का वेनमस स्नेक होता है, अगर गलती से इसके शरीर पर हमारा हाथ पैर चला जाता है या इसके साथ छेड़छाड़ होता है तो ही हमें काटता है, देख सकते हैं।
दोस्तों इसके काटने के बाद कुछ होता नहीं है, सिर्फ मौत होती है अगर इलाज नहीं होता है तो। ऐसे में अगर ये सांप काट लेता है, अगर आप किसी तांत्रिक ओझेगुनी और बाबा के चक्कर में पड़ते हैं, यानी झाड़ फूक के चक्कर में आप पड़ते हैं, तो आपकी जिंदगी झड़ा जाती है। देख लीजिए दोस्तों, अभी ठंडी का मौसम है और हाइबरनेशन चल रहा है, यानी कि शीत निष्क्रिय रहता है, और ये ठंडी के कुप्रभाव से बचने के लिए ये अपने सुरागों में या मनुष्य के आसियाने की तरफ ये आना पसंद करता है। देख सकते हैं आप इसको, तो दोस्तों इसका जो मुख्य भोजन होता है वो चूहा और मेढक होता है। ये चूहा और मेढक को खाने के लिए हमारे घरों की तरफ चले आते हैं लोग। देख लीजिए दोस्तों, इसका साइंटिफिक नेम नाजा नाजा होता है। आपको बता दें कि वेनम कौन पाया जाता है, न्यूरोटॉक्सिन। यानी कि अगर ये सांप काट लेता है तो इसका लक्षण क्या होता है, पेट में दर्द, उल्टी, नींद आना, गला सूखना, और जहाँ पर ये काटता है, बाइट करता है, वहाँ पे सूजन हो जाता है, स्वेलिंग होता है। तो दोस्तों अगर ऐसे सांप अगर काट लेते हैं तो आप कहीं तांत्रिक के चक्कर में नहीं पड़िएगा, डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और वहाँ पर एंटी वेनम मिलता है या एंटी सीरम, उसी से आपकी जान बच सकता है। देख लीजिए दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इंतजार की घड़ी समाप्त होती है, इसे बोरे के अंदर हम पैक करते हैं। देख लीजिए दोस्तों, देखिए जब इसे खतरा महसूस होता है तो ये तुरंत खड़ा हो जाता है। देखिए कैसे खड़ा हुआ है, कैसे खड़ा हो जा रहा है यहाँ पे। तो चलिए इसको हम बोरे के अंदर पैक करते हैं। डबल बा, देखिए डबल बा, डबल चाहिए। देखिए दोस्तों ये जाने का इसमें नहीं चाह रहा है। देखिए ये भगने की फिराक में है। चलिए दोस्तों इसको बोरे के अंदर हम पैक कर दिए हैं और फिर ले चलेंगे इसके पुनर्वास यानी जंगल की तरफ फ्रीज करने। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ ही इन बेजुबानों को बचाते हुए आपसे हम किसी दूसरे वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।